वहीं यूपी के संभल में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 किलो अफीम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक सेंट्रो कार भी बरामद की है। क्या है मामला? ये जनपद संभल में इलेक्शन के दौरान हमारे टिकट और जो बैरियर है वहाँ पे गश्त चेकिंग चल रही है लगातार। इसमें पुलिस इस अभियान में लगी हुई है कि जो भी अवांछित तत्व हैं या अवैध चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं उनको रोका जाए। इसी क्रम में बनियाठेर थाना के मुरादाबाद चंदौसी रोड पे एक बैरियर टिकट पे चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार से 3 व्यक्ति आ रहे थे और चेकिंग के दौरान जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि उन्होंने अपने बॉडी में अफीम फिट कर रखा था, जो एंकलेट होता है और नी कैप होता है उसके नीचे लगा करके उन्होंने बॉडी में अफीम फिट कर रखा था और अपने गाड़ी में सेंट्रो कार में उनके डोडा पोस्ता भी रखा हुआ था। सभी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगभग 4 किलो अफीम और डोडा पोस्ता भी बरामद किया गया है और ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 10 लाख रुपये के करीब है। अब इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।